सब्सक्राइब कीजिए फिनोमिनल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि एयरटेल 5G नेटवर्क यहां पर अपनी कुछ सिटीज़ में अवेलेबल हो गया है, और अगर आप एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका स्मार्टफोन कंपेटेबल होना चाहिए 5G रेडी के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन सैमसंग के जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो उनमें आपको 5G का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल चुका है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे सैमसंग के स्मार्टफोन हैं जिसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को नहीं मिला है 5G का, तो उन 5G नेटवर्क का जो अपडेट है आपको कब तक देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन की जो लिस्ट दी गई है, इनमें आपको सैमसंग का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा 5G सॉफ्टवेयर अपडेट। जैसे ही ये अपडेट आएगा तो उसके बाद यहाँ पर आप 5G नेटवर्क का यूज़ कर पाएंगे और 5G नेटवर्क के साथ 5G इंटरनेट का भी यूज़ कर पाएंगे और आपको काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, बात करें ये अपडेट आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सैमसंग टीम की तरफ से कुछ अपडेट निकल के आई है कि ये जो अपडेट है आपको नवंबर के एंड तक देखने को मिल जाएगा, और ये स्मार्टफोन जो लिस्ट में दिए गए हैं इन सब में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों सैमसंग की तरफ से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए #phenomenalguruji।